एक जमाने में कांग्रेस का सेकुलरिज्म उसे 400 से ज्यादा सीटें भी दिलवाता था। अब यह भी एक जमाना है कि वही सेकुलरिज्म उसे हिंदू विरोधी बता रहा है। हम अपने मुंह से अगर ये सब बोलने लगे तो ये ओपिनियन है, लेकिन अगर अपने ही अपनों पर सवाल उठाने लगे तो ये सच्चाई का आईना है। वो आईना जो एक ही दिन में दो दिग्गजों ने कांग्रेस को दिखाने का काम किया। एक का नाम गौरव वल्लभ, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरे का नाम संजय निरुपम, जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु महेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 45वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का पिछले 10 सालों में पतन का एक बड़ा कारण है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। सच्चाई इससे कुछ भी अलग हो सकती है, लेकिन जो परसेप्शन बना हुआ है उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान दिया। एक बड़े वर्ग को ऐसा लगने लगा कांग्रेस एक समुदाय के वोट के लिए दूसरों को नजरअंदाज करती है। और जब तक ये आरोप बीजेपी वाले लगा रहे थे, इट वॉज पॉलिटिक्स। लेकिन अब तो कांग्रेस के ही अपने उसे हिंदू विरोधी बताने लगे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बात तो सही कह गए राहुल जी, दूसरों के हमले सहन हो जाते हैं, लेकिन जब अपने भी वही भाषा बोलने लगे, इट फील्स बैड। अब हुआ क्या है ये समझ लेते हैं। टीवी डिबेट में कांग्रेस के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाने वाले गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है। एज एक्सपेक्टेड बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन हमने नोटिस किया कुछ और। जो बातें बोलकर गौरव ने बीजेपी का दामन थामा है, वो कांग्रेस को बहुत दर्द देगा। गौरव वल्लभ ने कहा, कांग्रेस पार्टियां जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अब देखिए, यहां पर गौर करने वाली बात है, सनातन विरोधी। बिना लाग लपेटे के आपने कांग्रेस को सनातन के खिलाफ बता दिया। अब वल्लभ भाई साहब यहीं पर नहीं रुके, दूसरे बागी नेताओं की तरह परंपरा निभाते हुए उन्होंने हमले का केंद्र कांग्रेस हाईकमान पर रखा। इसी हिंदू वाली लाइन पर आगे बढ़ते हुए गौरव ने कहा, राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड था, मैं उससे हैरान हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हैरान और असहज किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अब अगर अकेले गौरव वल्लभ ऐसा बोलते, हम भी कह सकते थे ये सब बकवास है। लेकिन एक और नेता है, संजय निरुपम, फायर ब्रांड नेता ने कांग्रेस की नींव पर हमला कर दिया। कहना चाहिए चाशनी में डिबोकर सियासी हमले किए। आलम ये रहा, निरुपम जी ने तो जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं बख्शा। सेकुलरिज्म की असली डेफिनेशन बताते हुए उन्होंने कहा, सेकुलरिज्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म में दूसरे धर्म का विरोध नहीं होता। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। कांग्रेस का एक बड़ा नेता बता रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी एक धर्म का विरोध कर रही है। यहां तक कहा गया है हिंदू धर्म में आस्था रखना कोई गुनाह हो गया है। अगर ये हमले बीजेपी करती, कांग्रेस के लिए जवाब देना आसान होता, लेकिन ये हमले क्योंकि अपने नेताओं ने किए हैं, इनका नुकसान ज्यादा है। बड़ी बात देखिए, एक या दो नहीं, तमाम बड़े नेता इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को टोक रहे हैं। कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया, कुछ नेताओं को हिंदू और राम से नफरत है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढ़ावड़िया ने पार्टी छोड़ते टाइम कहा, राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। अब ये सारे बयान क्या बता रहे हैं? हो सकता है आपकी पार्टी में सबसे बड़े राम भक्त हो, आपसे बड़ा कोई दूसरा हिंदू ना हो, लेकिन अगर फिर भी मैसेज ये जा रहा है, यू आर एंटी हिंदू, कहीं तो गलती हो रही है, कहीं तो आपसे चूक हो रही है। नहीं 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 सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन अभी तक आपने इसका सॉल्यूशन नहीं खोजा, उल्टा आपने अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा लिया है। पहले तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे राम मंदिर के जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण करेगी, लेकिन फिर राहुल गांधी ने बोल दिया, हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र है, हमारा मुकाबला शक्ति से है। बस बिगड़ गया खेल। आप हिंदू विरोधी वाला दाग मिटाना चाहते थे, उल्टा आपने अपने दामन पर एक और दाग लगा लिया। अब आप कितनी भी कोशिश कीजिए, बीजेपी इस दाग को 4 जून से पहले साफ नहीं होने देगी। मजे की बात देखिए, कांग्रेस अब ऐसी दुविधा में फंस चुकी है जहां पर हिंदुओं के पक्ष में बोलना भी उसे भारी पड़ेगा
और खिलाफ में बोलने पर तो पहले से ही मार पड़ रही है। ऐसे समझिए, राहुल गांधी मंदिर गए, नैरेटिव सेट हुआ, कांग्रेस कर रही सॉफ्ट हिंदुत्व। राहुल गांधी गए मस्जिद, नैरेटिव सेट हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यानी कि इधर खाई उधर कुआ। अब कैसे निकलेगा कांग्रेस के लिए समाधान, कैसे टूटेगा ये चक्रव्यूह, यही तो है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।